नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली दंगे की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि सियासी दंगल का शोर तेज होता जा रहा है। दिल्ली दंगे में पीएफआई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। दिनों दिन दिल्ली दंगों की फाइल्स खुल रही है तो नए नए वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, सुराग भी मिल रहे हैं और किरदार भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन है मास्टरमाइंड जिसने पर्दे के पीछे से साजिश रची, जिसने दिल्ली के सीने पर पीछे से वार किया, जिसने मोहरा बनाकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार और पत्थर थमा दिए, जिसने दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया। पुलिस सभी मामलों की जांच तो कर रही है, लेकिन दिल्ली के दामन पर यह जो दाग लगा है, क्या उसे हमारा समाज छुड़ा पाएगा? क्या एक समाज के तौर पर हमारी नैतिकता इतनी कमजोर हो गई है कि हमने दूसरे धर्म का सम्मान भी करना छोड़ दिया? क्या हम साथ साथ नहीं चल सकते? आज इन तमाम सवालों पर होगी बड़ी चर्चा। आपको यह भी बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस बार सजा ऐसी हो जो नजीर बने और दोबारा इस तरह की तस्वीर राजधानी दिल्ली या फिर हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। ये कैसे होगा, इसके लिए क्या किया जाए? तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे को लेकर दागेंगे हम सवाल, जानेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर कैसे पल भर में सुलग गई दिल्ली, आखिर कैसे मरने मारने पर उतारू हो गए लोग, आखिर कैसे पुलिस के सामने बेकाबू हो गई भीड़। बरसने लगे पत्थर, लहराने लगी तलवारें, चल गई गोलियां। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक सवालों की जांच में जुटी है, हर एक सबूत खंगाले जा रहे हैं, हर आरोपी के बयान से हिंसा की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली हिंसा का सच सामने लाया जा सके। और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई आरंभिक रिपोर्ट में साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की बात कही गई है। यानी जहांगीरपुरी में हुई हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई। जहां कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो है वो रिकवर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोगों ने शेयर भी किया है। दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसे सबूत भी लग रहे हैं जो इस हिंसा के पूर्व नियोजित होने के सबूत दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 15 अप्रैल की देर रात की बताई जा रही है, जिसमें दंगाई लाठियां इकट्ठा करते दिख रहे हैं। पुलिस अब हिंसा से एक दिन पहले के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है ताकि साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी उसी दिन जंतर मंतर पर SDPI ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसी शाम जहांगीरपुरी में हिंसा शुरू हो गई। अब पुलिस SDPI के प्रदर्शन के वीडियो की भी जांच करेगी। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने अप्रिहेंड किया है। सूत्रों की माने तो हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुख्य आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर वो 4-5 लोगों को साथ लेकर शोभा यात्रा में पहुंच गया और बहसबाजी करने लगा। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस इस फोन वाली थ्योरी की पुष्टि अभी नहीं कर रही है। उधर शोभा यात्रा के संयोजक और जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमा शंकर दुबे ने तो अंसार पर धमकाने का आरोप लगाया। मैं जानता नहीं था, लेकिन वहां पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था, है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं, है? उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे
तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे, अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। एक सवाल तीसरी शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसे पुलिस ने FIR दर्ज की है। हालांकि हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा का साफ साफ कहना है कि उनके पास शोभा यात्रा की परमिशन थी। के पास परमिशन थी? हाँ, मेरे पास परमिशन थी। क्या उन लोगों के पास परमिशन थी जो तीसरी शोभा यात्रा निकली? देखिए, तीसरी शोभा यात्रा का परमिशन थी या नहीं थी ये मेरे को पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इंटीमेशन DCP को की गई थी उसकी। और इससे पहले हम 2010 से यात्रा निकालते हैं, पुलिस कभी भी रिटर्न परमिशन देती नहीं है। पुलिस हर बार इंटीमेशन के आधार पर ही सब लोग यात्रा निकालते हैं। इस बार आपके पास रिटर्न परमिशन है? पहली बार है कि हमें पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है। क्राइम ब्रांच की जांच के बाद दिल्ली हिंसा पर सियासत भी जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत इशारों में BJP को हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह हिंसा फैलाने वालों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सेकुलर बातें कह कर के ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 3 मुख्य आरोपियों समेत 2 दर्जन से अधिक दंगाइयों को गिरफ्त में ले चुकी है। पूछताछ के दौरान सोमवार को फिर हुई पत्थरबाजी की घटना से पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है, इसलिए 2400 घंटे न सिर्फ जहांगीरपुरी पर नजर रखी जा रही है, बल्कि दिल्ली के बाकी ऐसे इलाके भी पुलिस के रडार पर है, जहां से निकली एक चिंगारी पूरी दिल्ली के अमन चैन को बिगाड़ सकती है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कड़े कानून बनाकर दंगा मुक्त भारत बनेगा? आज दंगल का हमारा यही सवाल है। सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वकार प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, सांप्रदायिक दंगे को रोकने का इलाज क्या है? गृहमंत्री अमित शाह की ओर से कल निर्देशित किया गया है पुलिस को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वो नजीर बने, लेकिन नजीर बनाने के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, सांप्रदायिक दंगों में जो भी शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, दंगाइयों का दमन, यही एकमात्र तरीका है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो दंगों के मुहाने पर हमेशा बैठा रहता था, वहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद दंगाइयों का दमन कानूनी ढंग से किया गया। उसका परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं ले रहा है। खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ जैसे ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनी दमन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वैसे ही तत्काल सेकुलरवाद के नाम पर जो लोग जिहादियों और दंगाइयों को संरक्षण देने का काम सदियों से करते रहे हैं, उनका सियापा कैसे प्रारंभ हुआ आपने देखा। चाहे वो मेरठ का दंगा हो, मलियाना का दंगा हो, भागलपुर का दंगा हो, मुंबई का दंगा हो, कानपुर का दंगा हो, एक सेकुलर जमात जो है वो दंगाइयों के पक्ष में तर्क कैसे गढ़ती आप जानती हैं? 3 सालों के भीतर 2 दंगे, आपने दोनों दंगे देखे। पहला दंगा भी आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप, नहीं बहुत नहीं, अच्छा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ आने के पहले किस तरह से दंगे की तैयारी की गई, आप 2020 के दंगों की चार्जशीट पढ़ लीजिए, आपके ध्यान में सारा सप्रमाण सिद्ध किया है पुलिस ने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के पहले CAA विरोध के नाम पर दंगे की साजिश रची गई। और आज भी आप ही का चैनल बता रहा है
कि कैसे 15 तारीख की रात में हथियार जमा किए जा रहे थे, दंगे की पूरी तैयारी थी। दंगे की तैयारी कौन कर रहा था वो आप जान रही है, मुकेश उसके पीछे शक्तियां कौन है वो दिख रही है। ठीक है मुकेश शर्मा जी, अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको भी फिर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इससे इतर जाकर, चूंकि दंगों से देश का दामन दागदार होता है, दिल्ली का दामन दागदार होता है, ऐसे में क्या वक्त आ गया है जब बहुत कड़े कानून की जरूरत है ताकि दंगाइयों को हटाया जा सके और दंगा मुक्त हिंदुस्तान बनाया जा सके? आपको लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कल निर्देशित किया है दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उससे कम से कम नजीर बनेगा अगर दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करती है तो? चित्रा जी, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है और सभी राजनीतिक लोगों को बहुत सोच समझकर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं दिल्ली का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी पार्टी के पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हुआ हूँ, बैठा हूँ। मैं दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं दीपेंद्र पाठक जी को सुन रहा था, आपने भी सुना है उनको और विक्रम सिंह साहब ने भी सुना है। दीपेंद्र पाठक जी ने कहा कि हमने रिवाल्वर वाले और तलवार वाले, और वो तलवार जो आज तक ने वीडियो दिखाया 15 तारीख को भी 16 को भी, उन्होंने कहा कि रिवाल्वर वाले और तलवार वाले सब मामलों में हमारी तफ्तीश और जांच जारी है। मैं साफ तौर पर पहले तो ये साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से पुलिस की जांच में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को किसी किस्म का कोई दखल नहीं देना चाहिए। अगर वो दखल देता है तो निश्चित तौर पर वो मुझे अपनी बात आप कहने दें तो मेहरबानी होगी। क्रॉस क्वेश्चन था ना मुकेश शर्मा जी, शुरू में ही आप लोग इतनी बेचैनी क्यों दिखाने लगते हैं? बीच में अगर सवाल आया है तो उसका जवाब ले लेने दीजिए। आपने कहा कि राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है मुकेश जी, कौन कर रहा है? बेचैनी तो आपने दिखाई ना, मेरी बात पूरी होने नहीं दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ चित्रा जी, बड़े अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि पुलिस ने एक इल्लीगल जलूस के खिलाफ FIR दर्ज की, सारे चैनलों पर चला, आपके चैनल ने सबसे पहले दिखाया। मुझे तो आपके चैनल से पता लगा वो जलूस तीसरा इल्लीगल था। पुलिस ने FIR दर्ज की, पुलिस की FIR के बाद विश्व हिंदू परिषद का VHP का बयान आता है कि इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है। क्या ये दखल नहीं है तो क्या है? आप पुलिस को धमकाना चाहते हैं, आप पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं आप? अरे हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप उनको कहिए जाकर कि पुलिस की छवि खराब हो रही है, पुलिस कमिश्नर पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। जब पुलिस अपना काम करेगी तो आप पुलिस को धमकाएंगे, तो ये राजनीतिक दखल नहीं है तो क्या? इसका जवाब मिलना चाहिए। और मैं ये आपके चैनल ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया ब्रेकिंग न्यूज में कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा पुलिस की छवि खराब हो रही है। पुलिस की छवि खराब हो रही है, पुलिस थाने में क्षेत्र के सांसद हंसराज, अगर ये देखिए इस पूरे मामले में भी पेच है जिसको मैं विक्रम सिंह जी से समझूंगी। दरअसल जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि परमिशन लेने के लिए जहांगीरपुरी थाने में हमने पत्र दे दिया था, पुलिस की ओर से कहा गया है कि 3 कुल जुलूस थे, 2 को परमिशन मिली थी, 1 को नहीं मिली और 1 में ही दंगा हो गया। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने कहा सर सुनिए ना, 1 सेकंड सर, भाषणबाजी के लिए तो नहीं आए ना, डिबेट करने के लिए, तो सवाल सुनिए ना आप मुकेश शर्मा जी, सुनिए मेरा सवाल। सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की छवि खराब हो रही है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐसा कहा गया है, इसमें धमकी आपको नजर आती है? हाँ, मैं जवाब देता हूं। जब दिल्ली पुलिस रिवॉल्वर वालों को पकड़ती है, बहुत अच्छा कदम है, जिसने दंगा किया किसी पक्ष का व्यक्ति हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे किसी में कोई गरेज नहीं है, मैं किसी से डरकर नहीं बोल रहा हूं। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, रिवॉल्वर वाले पकड़े जाएं, जिन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को पत्थर हाथ में दिया गया, तलवार हाथ में दी गई, वो तलवार हाथ में देने वाले नेता, पत्थर हाथ में देने वाले नेताओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे साजिश है? ठीक है, जल्दी से इस पर प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, जैसे उसके बाद में शरण आपके पास आऊंगी। बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है अंसार, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस अंसार की गिरफ्तारी हुई है, दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है, आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर, और जो बातें मुकेश शर्मा जी ने भी कही है उस पर भी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी।
देखिए, आम आदमी पार्टी तो झूठ बोलने के लिए कुख्यात है, और श्रीमान केजरीवाल जो है इसके लिए बार बार अदालतों में भी माफी मांग चुके हैं, आदरणीय नितिन गडकरी से माफी मांग चुके हैं, जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर कान पकड़ के माफी मांग लेंगे केजरीवाल की। और उन्होंने कल जो है इनके आईटी सेल ने एक फर्जी फोटो जो है सर्कुलेट की थी, वो सारे लोग जानते हैं, कालांतर में साइबर सेल उसका भी संज्ञान लेगा, ऐसा में विश्वास है। दूसरी बात, अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उस FIR पर कोई अगर मंतव्य प्रकट करता है तो धमकाना कैसे हो जाता है? साहब, धमकाना यह होता है कि आप जो है 10,000 सिखों की हत्या कर देते हैं, हत्या करने के बाद जो है नरसंहार के लिए जो दोषी लोग हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है, और जब उसका विरोध होता है तो श्रीमान राजीव गांधी कहते हैं कि दिल्ली की बात कर रहे हैं। चित्रा जी चीखना बंद कराइए। शर्मा जी, चीखना बंद कराइए। गुजरात मॉडल चित्रा जी चीखना बंद कराइए। चित्रा जी चीखना बंद कराइए। प्लीज मुकेश शर्मा जी, चित्रा जी ये चीख पुकार अच्छा नहीं है। गुजरात मॉडल, चित्रा जी हर किसी के नीचे से चीख पुकार होगी। हम गुजरात मॉडल देश में लागू नहीं होने देंगे। बिगड़ेगी। कौन सा गुजरात मॉडल? चीख पुकार। कौन सा गुजरात मॉडल? मुकेश शर्मा जी, गुजरात मॉडल लागू नहीं होने देंगे। कौन सा गुजरात मॉडल? डाइवर्ट कर रहा। कौन सा गुजरात मॉडल करने दिया जाए? आप दिल्ली में बात करिए, दिल्ली में। तो दिल्ली के ही तो 84 में बात करने दी जाए। चित्रा जी, मैं दिल्ली पर ही बात कर रहा हूँ। वो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। चित्रा जी, फिर आप चाहती हैं मैं भी चिल्लाऊं? मुकेश शर्मा जी प्लीज, उनकी बात हो जाए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे क्या बात करनी है? मुझे क्या बात करनी है? मुझे किसी कांग्रेसी से अनुमति लेके नहीं बात करनी है। मैं लोकतंत्र में हूँ और संवैधानिक लोकतंत्र मेरा अधिकार है। जिन लोगों ने 10,000 सिखों का नरसंहार किया, उन नर पिशाचों को मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी दंगाई चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस गोत्र का हो, चाहे जिस भाषा का हो, दंगाई की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आप 2020 के दंगे भी देख लीजिए दिल्ली के, उसमें दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, स्वाभाविक तौर पर जिसकी जैसी भूमिका होगी उसके अनुकूल उस पर कार्रवाई होगी। इन कार्रवाई आरोप लगा रही है। जैस्मिन शाह, आप लोगों को ये क्या नजर आता है? दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है सर, बाकी लोगों को भी आने दीजिए प्लीज, बाकी लोगों को भी। मुकेश शर्मा जी, जैस्मिन शाह जिनकी सरकार है दिल्ली में, जरा उनसे भी सवाल ले लूं मैं प्लीज। मुकेश शर्मा जी, देना है मुझे इनका। चलिए एक लाइन में बोलिए, जल्दी से अपनी बात का जवाब दे दूं। बोलिए एक लाइन में बोलिए मुकेश शर्मा जी, बोलिए बोलिए। आप 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने इन्होंने दिल्ली की बात नहीं की, मैं सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूँ 10 सेकंड में। काश आज अटल जी होते, दिल्ली की बात की धर्म याद दिलाते। जब गुजरात मॉडल लागू, अगर दिल्ली में अरे आप 20 का बोल रहे हैं, मिर्चे का लग रही है आपको, आपको मिर्चे का लग रही है। अटल जी ने राजधानी याद दिलाया मोदी जी को, चुप और वो गुजरात मॉडल आप देश में लागू करना चाहते हैं। वो गुजरात मॉडल दिल्ली देश में लागू करना चाहते हैं। हम गुजरात मॉडल देश में लागू करना चाहते हैं चैनल पर। अरे बेशक, एक सेकंड मुकेश शर्मा जी की आवाज बिल्कुल धीमी कीजिए। आप गुजरात मॉडल, ये तरीका ठीक नहीं है मुकेश शर्मा जी, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को न जाने क्या हो गया है, दूसरों के बीच में बोलते हैं और उसके बाद जब उनको चुप कराओ तो फिर वो सर, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और बिल्कुल मुकेश शर्मा जी, थोड़ा सा आराम से। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आराम से, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, ठीक है। मैं जैस्मिन शाह और बाकी लोगों के पास भी जरा आना चाहूंगी। जैस्मिन शाह जी, आप कह रहे हैं कि अंसार जो है वो बीजेपी का नेता है, जहांगीरपुरी में दंगे बीजेपी ने करवाए, क्या है सबूत इसका आपके पास? सिर्फ आरोप है या कोई सबूत भी है जिसके आधार पर आप लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? चित्रा जी, सबूत भी है और आधार भी बहुत ही पुख्ता है, क्योंकि आप खुद इसका अंदाज लगाइए कि हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे जुलूस निकले, शोभा यात्राएं निकली, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी निकाली, बड़ी खुशी से सारे समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। भाजपा के नेताओं ने केवल एक जगह यात्रा और शोभा यात्रा निकाली, जहांगीरपुर में, और वहां पे दंगे हो गए। अब आप कह रही थी इससे पहले कि इसके क्या सबूत है कि ये दंगाइयों की पार्टी है, मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में पिछले सत्र में ये आंकड़ा दिया है देश के सामने
कि पिछले 5 सालों में 2016 से 20 के बीच में 3,400 सांप्रदायिक दंगे देश भर में हुए हैं, जो देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में ये रिकॉर्ड है। और फिर आप पूछती हैं कि ये कैसे हम सुनिश्चित करें कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। बिल्कुल है, एक नंबर की गुंडे लफंगों और दंगाइयों की पार्टी। आप पिछले 3 सालों का इनका चिट्ठा देख लीजिए। कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, दिल्ली के दंगे हो गए, मुख्यमंत्री के आवास के बाद फिर मैं उन्होंने तोड़फोड़ करी। नहीं, मैं बस अपनी बात कर दूं। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर तोड़फोड़ होती है, भाजपा के नेता क्या करते हैं, उन अपने भाजपा के नेता और जो भी उनके युवा प्रेसिडेंट है उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप एक देश के लिए उदाहरण की, ऐसी तोड़फोड़ करनी चाहिए। इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जल बोर्ड के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरा में ये सारी तस्वीरें है। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है देश में जो इन लोगों को अपना देश का प्रदेश अध्यक्ष या एमपी बनाती है। केवल भाजपा आज एक पार्टी है जो दंगाइयों को सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनको एक प्रमोशन देती है। 2020 में जो 5 मंजिला घर था ताहिर हुसैन का, ठीक है, उसके घर पर जाके मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, ऊपर से लेकर नीचे तक दिल्ली दंगे के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं उसके साथ एक एक सबूत हमने दिखाया था देश को। वो तो आप ही का पार्षद था, बाद में आपने हटा दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं उनके सवाल पर एक जल्दी से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। विधायक आतिशिका संगीन इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी को लेकर कहा गया है। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी बीजेपी का नेता है आतिशी, ये आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है अंसार आतिशी, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी की, उनकी ओर से आरोप लगाए गए। जल्दी से इस पर जवाब प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इनके आरोप अनर्गल हो, तभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में एक जुलूस निकाला। तो झूठ कैसे बोलते हैं ये लोग और कितना कितना विश्वास से बोलते हैं ये सब जानते। ताहिर हुसैन का प्रश्न आपने पूछा, खालिस्तानियों के साथ कौन जो है कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब में काम कर रहा है, किसी से छिपा हुआ है क्या? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के पक्ष में कौन बयान देता है, कोई भूल गया क्या? संजय सिंह और ताहिर हुसैन के संबंध कोई भूल गया क्या? सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज पे टिकट ब्लैक करने वाला राज्यसभा सदस्य इनके यहाँ भेजा जाता है, ये कौन नहीं जानता है? हर कोई भली भांति जानता है कि लुक्को लंपटों राशन कार्ड के नाम पर बलात्कार करने वाले कौन लोग हैं भाई। और लगातार लगातार जो है ये भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रहे हैं, भ्रष्ट दुष्ट चिरकुट ऐसे जो है दंगाई आतंकवादियों के जो है तलवे चाटने वाले कैसे कौन लोग हैं? वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो है, आम आदमी के पार्टी के लोग जब यहाँ तक कहते हैं कि पंजाब अलग देश बन जाए और मैं उसका प्रधानमंत्री हो जाऊं, अगर अरविंद केजरीवाल का इस तरह का मंतव्य है, इस तरह के देशद्रोही नमक हराम आदमी की अध्यक्षता में कोई अच्छी पार्टी चल सकती है क्या? तो ये दंगाइयों जिहादियों लफंगों लुक्खों लंपटों इन सबको जमा करके इन्होंने जो एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी का इरादा है कि जैसे ही यहाँ बोरिस जॉनसन यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं उन्होंने शब्दों सब उन्होंने बिगाड़े, उन्होंने गलत किए। आप मुझे कोई भी प्रेम शुक्ला जी आपके लिए भी, मुकेश जी के लिए भी, जैस्मिन के लिए भी, सबके लिए शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए। जैस्मिन शाह जी जल्दी से हमारे भाजपा केवल एक पार्टी रह गई है जो एक पढ़े लिखे सीएम आईआईटीएन सीएम और आम आदमी पार्टी के सारे नेता देख लीजिए पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की पार्टी है, उनको ये लोग खालिस्तानी बोलते हैं। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री के आवास पर तोड़फोड़ करते हैं उनको ये लोग सम्मानित करते हैं, उनको आगे स्थान देते हैं। आदेश गुप्ता जैसे व्यक्ति जिन्होंने सरेआम दिन दहाड़े गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अटैक किया, रकस क्रिएट किया, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? और दिल्ली पुलिस तो आपके अंदर आई है, मुझे बताइए तीन साल पहले आपने दिल्ली में दंगे जो हुए आपने कहा कि बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेंगे, मुझे बताइए एक भी जो जिसकी जान गई थी उसका कन्विक्शन हुआ है? कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली के कोर्ट ने कहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन फार्सिकल है। ये मुख्य आरोपी अंसार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आतिशी का ये आरोप है आम आदमी पार्टी की ओर से कि अंसार जो है वो बीजेपी का नेता है। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से असीम बकार साहब और मैं विक्रम सिंह जी के पास भी जाना चाहूंगी। असीम बकार साहब सीधे आपके पास आते हुए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दिल्ली पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यही कारण रहा कि कल हमने देखा एक व्यक्ति जिसको जुलूस की परमिशन नहीं मिली उसको भी यहां पर गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डालती है। लेकिन आप लोगों की ओर से बार बार ये रोना रोया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली पुलिस और बीजेपी की सरकार
सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरा पक्ष आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता है असीम वकार साहब, और ऐसा कहकर क्या आप लोग माहौल को और ज्यादा आग में घी डालने का काम नहीं करते हैं? देखिए, थोड़ा से आपने कम आरोप लगाए मुझ पर और मेरी कौम पर, मुझे अचंभा हुआ। मुझे आपसे और उम्मीद थी कि थोड़ा सा और बड़े बड़े आरोप मुसलमानों पे लगाइए। आपके कौम पर कौन से आरोप लगाए असीम वकार जी? आपके कौम की कौन सी बात कही मैंने? नहीं सुनिए, नहीं, ये गलत बयानी बिल्कुल नहीं, गलत बयानी बिल्कुल नहीं असीम वकार जी। सुना था बड़े सुकून से, किसी के बीच में बोला नहीं। नहीं तो आप गलत बयानी करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगी या नहीं करूंगी? सुना मैंने, और मैं ये कोशिश करूंगा। इतनी देर से इसलिए मैंने आरोप लगाए कि आपने ये कह दिया कि आप रोना रोते हैं, और आपने ये कहा और आपकी कौम ने ये कहा, और आपकी कौम ने नहीं कहा, आपकी पार्टी की बात कही है। दंगे दोनों तरफ से हुए मैडम, शब्द मत डालिए, सब जिम्मेदार लोग हैं। सुनिए मैडम, हाँ तो गलत बयान मत कीजिए ना, झूठ मत बोलिए असीम वकार, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, अरे सुनिए मैडम, पूरा टाइम तो आप ले लेंगी मेरा, हम सब तो जिम्मेदार लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर कहीं दंगा हो रहा है तो उसको रोका जाए, उसमें आग में घी ना डाला जाए। मैं अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम यही समझता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं अपने को जिम्मेदार समझ रहा हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं, तो इसका यह मतलब भी ना निकाला जाए कि मुझे या मेरे लोगों को या मेरी जाति और मेरे धर्म के लोगों को गाली बक के निकल जाएगा। मैं सुन लूंगा, मैं सुनूंगा भी नहीं, मैं जवाब रखता हूं, जबान रखता हूं मुंह में। दिल्ली कमिश्नर साहब से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मैं पूछ रहा हूं कि वो जुलूस जिसमें कट्टे लहराए गए, मैंने भी एक ट्वीट में आपको टैग किया है, जरा एक बार वो वीडियो देखिए और मुझे गिन के बताइए कितने कट्टे दिख रहे हैं इसके अंदर। उन कट्टों से फायर हो रहा है, क्या दिल्ली कमिश्नर पुलिस साहब गिरफ्तार करेंगे उसको या हम लोग करेंगे? कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी या हम लोग करेंगे या आम आदमी करेगा? एक बार देखिएगा, आप ही का वीडियो है, मेरा नहीं है। आप इतनी देर से आरोप लगा रही हैं, आप ही का एक सहयोगी चैनल, आप ही का सहयोगी चैनल वहां लोकल के लोगों से इंटरव्यू ले रहा है जो हिंदू भाई हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे नहीं, अंसार नहीं था, वो तो बचा रहा था। आप गलत बोल रही हैं, आपको माना जाए सही, आप गलत बोल रही हैं। नहीं, फिर भी ये कह रहा हूँ, सुनिए ना, जो दोषी है कार्रवाई कीजिए। असीम वकार साहब, एक मैं कह रहा हूँ, जो दोषी है कार्रवाई कीजिए। लेकिन ना, जो एंकर को निशाना बनाने की आप लोगों की आदत पड़ गई है, सुनिए असीम वकार साहब, इसको थोड़ा साइड में रखिए, मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी आतिशी का हमने यहाँ पर दिखाया, उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है और आरोप लगाया है कि ये जो अंसार है वो बीजेपी का नेता है। ये टीवी स्क्रीन पर आपके ओवैसी साहब कल बता रहे थे, वीडियो में अंसार लोगों को समझा रहा है बिना इजाजत यात्रा क्यों निकाली गई, अंसार को आरोपी बनाना गलत है। अब ओवैसी जी ठीक बोल रहे हैं या आतिशी ठीक बोल रही है, बताइए, ये बीजेपी का नेता है या फिर नहीं है, या एक ऐसा व्यक्ति है जिसको निशाना बनाया गया है? देखिए, ये बात तो नहीं, ये बात तो पूरा देश पूछेगा कि बिना परमिशन के यात्रा निकाली गई और अवैध हथियारों, तलवारों, चापड़ों, गड़ासों और कट्टों से लैस होकर निकाली गई। जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे गृह मंत्री जी दें, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में वो क्षेत्र आता है। वो पहली यूटी है जिसका पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, जवाब तो देना पड़ेगा कैसे निकाली गई। पूछ लूंगी, अगर पुलिस ना चाहे और सरकार ना चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता मैडम। सवाल पूछना पड़ेगा और देश पूछेगा सवाल, सिर्फ वो लोग सवाल नहीं पूछेंगे जो सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगी मैं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम। हाँ, पूछ, आप ही का सवाल लेकर उनके पास में जाऊंगी आंसर के लिए। लेकिन असीम वकार साहब, यहाँ पर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, नंबर वन। दूसरा सवाल यह है, पत्थर कहां से आ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में? शोभा यात्रा को लेकर परमिशन नहीं ली गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन शोभा यात्रा अगर गुजर रही है, ऊपर से इतने सारे पत्थर कहां से आ गए उनके ऊपर बरसाने के लिए, इसका कौन जवाब देगा? मैडम, पत्थर जांच कीजिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो कट्टे किसने सप्लाई किए, वो कट्टे का सप्लायर कौन है, फैक्ट्री कौन है, और कौन लोग कट्टे लेकर उनको लाके दिए हैं? आयोजकों से पूछा जा रहा है ना, सोनू शेख नाम का एक आदमी है मैडम, इन लोगों के कुर्ते में। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी प्रेम शुक्ला जी से। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, अंसार को लेकर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं,
आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी का नेता, आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन इन सबके बीच में सीधे आपके पास आते हुए विक्रम सिंह जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल पॉलिटिक्स तो हो रही है लेकिन दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और पुलिस क्या ये लगा पाई है कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है कि किस वर्ग की ओर से पहले इस हिंसा की शुरुआत की गई। कई ऐसे दांवपेच हैं जिनका सुलझना बाकी है और दिल्ली पुलिस की भूमिका भी बहुत सारे मसलों को लेकर सवालों के घेरे में है। वो कह रहे हैं परमिशन नहीं ली गई जुलूस की, तो इतने सारे पुलिसकर्मी फिर जुलूस के साथ शोभा यात्रा के साथ क्यों आगे बढ़ रहे थे। विक्रम सिंह जी, चित्रा जी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। पुलिस का काम बड़ा सीधा है, दो धन दो बराबर होता है चार, न सवा चार या पौने चार। बिल्कुल, अगर उन्होंने दरखास्त दी थी, आवेदन पत्र दिया था जुलूस के लिए, अगर उत्तर नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझते हैं कि पुलिस की मूक सहमति थी और जब तक कि आपको लिखित सहमति न मिले जुलूस नहीं निकलना था। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अगर उनकी बिना इजाजत के जुलूस निकला तो वो मूक दर्शक कैसे बने रहे। उम्मीद कर रहे थे कि इत्तेफाकन सब शांतिपूर्ण निपट जाएगा, हमारी दोनों तरफ से वाह वाह हो जाएगी, जुलूस वालों की तरफ से भी, राजनीतिक आकाओं से भी और जनता से भी। इस तरीके से पुलिस का काम नहीं चलता है चित्रा जी। ये है कि न ये कसीदों से चलता है न दोहे से, ये है इंतजामिया पुलिस, ये चलती है लोहे से। हर थाने में 6 रिकॉर्ड होते हैं जो कि इस तरीके के तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं। त्योहार रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, हिस्ट्री शीट, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी। हर त्योहार के पहले इसको खंगाला जाता है और विगत 10 साल 20 साल में जितने भी ऐसे उभरते हुए कलाकार थे जिन्होंने कभी दंगा किया था, सोचा भी था, उनको नेस्तनाबूद और मिट्टी में मिला दिया जाता है, थर्रा जाते हैं लोग वर्दी देख करके। यह है पुलिस की परिकल्पना, आधा राक्षस आधा इंसान शैतानों और बदमाशों के लिए। यहां तो सेवा समितियां चल रही हैं, यहां तो अनुरोध और निवेदन हो रहा है, अनुरोध निवेदन हमारे राजनीतिक मित्र करें, बहुत अच्छा, उनको शोभा देता है। पुलिस कर्मी की भाषा और शैली टंकार के साथ और हंटर की चोट की तरह होनी चाहिए, ना उनको लोकप्रियता लूटना है ना उनको वोट बटोरना है। वो अपना काम कानून के हिसाब से करें और वो करें जिससे कि अगर किसी ने सोचा भी, कल्पना भी की, कहां चूक हो गई यहां पर, कहां चूक हो गई। यहां चूक ये हो गई, चूक नंबर एक, एक बिना स्वीकृत के एक जुलूस निकला। नंबर दो चित्रा जी, एक होता है प्री एम्प्टिव और प्रिवेंटिव अरेस्ट, एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं, एक भी नाजायज शस्त्र बरामद नहीं, एक भी निरोधात्मक कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव एक्शन जिसको पाबंद कहते हैं 107, 116, 103, 10-10 लाख के मुचलके पे शरारती तत्वों को पाबंद कर दिया जाता है। एक नारा निकला और 10 लाख रुपए गए, किसकी हिम्मत है, ऐसा कौन सूरमा है जो 10 लाख गांव पे लगाएगा। बिल्कुल चित्रा जी, ये पुलिस का काम लोकप्रियता लूटने वाला नहीं है। लोकप्रियता लूटना, इस्तीफा दीजिए, जाइए इलेक्शन लड़िए, असीम वकार साहब टिकट दे देंगे या प्रेम शुक्ला दे देंगे या शर्मा जी दे देंगे या शाह जी टिकट दे देंगे, लेकिन अगर टिकट लड़ना है तो बात अलग, पुलिस में मत रहिए, और पुलिस में रहना है तो वो कीजिए जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आ जाता है, जहांगीरपुरी वाले शोभा यात्रा को लेकर जो दूसरा पक्ष है शोभा यात्रा निकालने वाला, वो परमिशन के लिए गया था, वो चिट्ठी भी मेरे पास है, अब परमिशन मिली नहीं मिली, पुलिस मना कर रही है, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमने तो शोभा यात्रा के लिए बकायदा इजाजत के लिए हम थाने तक गए थे। तो इस मामले में ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि परमिशन थी या फिर नहीं थी, और पुलिस ने अगर देखा कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलनी है तो उसको रोकने के लिए अगर आपने इजाजत नहीं दी थी तो कोई भी कार्रवाई आपकी ओर से क्यों नहीं की गई। बिल्कुल सही निष्कर्ष, दोनों की तरफ से गलती थी। आयोजकों ने दरखास्त देके अपने कर्तव्य की इतिशी समझ ली, जवाब आए ना आए जुलूस तो हमें निकालना है। पुलिस ने जब देखा कि जुलूस निकल रहा है, 5 से 6 आदमी इकट्ठा हो, उनकी वैसी सेवा होनी चाहिए कि आगे के 10 साल उनके जोड़ों में दर्द होना चाहिए। इस तरीके से पुलिस का काम नहीं चलता चित्रा जी, कि आप निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध निवेदन और पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनको चाहिए नसीहत वही, प्रसाद वही मिल जाना चाहिए था पुलिस का, कि दोबारा दुस्साहस न करते, मनमाने तरीके से जुलूस नहीं निकल सकते हैं। दोनों तरफ से गलती थी। क्या प्रसाद मिलना चाहिए था दंगाइयों को? प्रसाद पुलिस के पास जो है उनकी झोली में वही दे सकते हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके, यही प्रसाद पुलिस के पास है, इसके अलावा कोई प्रसाद नहीं है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 सीआरपीसी में बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो ज्यादा उभरते कलाकार हैं, जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन, और उभरते कलाकार हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उपधारा 2 एक साल, आधा बड़े कलाकार हैं 307 6 साल, और बड़े कलाकार हैं तो यूएपीए। पुलिस से देखिए कोई पार नहीं पा सकता है अगर पुलिस अपने पे आ जाए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जैसा हो देवता पूजन उसका वैसा ही होना चाहिए, और यहाँ पर वास्तव में पुलिस करबद्ध निवेदन क्यों कर रही है, बड़ा सवाल है ना। मैं निश्चित, मैं तभी तो इस तरह की स्थिति बन जाती है।
कातिलों पर अगर दुलार और प्यार दिखाया जाएगा तो फिर वो भय आप लोग कैसे पैदा करेंगे? मैं विक्रम जी की बात से 100% सहमत हूं। पुलिस की पुलिसिंग इसी तरह से होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जुलूस निकल गया और उसको परमिशन नहीं है तो क्या उस पर पत्थर फेंकने, बम बरसाने, गोलियां चलाने, इसकी परमिशन है क्या? पत्थरों की अनुमति ली गई थी क्या? तो जो पत्थर फेंके उन पर भी, जिन्होंने जुलूस अवैध निकाले वो कार्रवाई के पात्र है, उनमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने पत्थर बरसाए वो भी कार्रवाई के पात्र हैं, ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। जो बम लेकर खड़े हो गए वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। जो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है, वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। जो ऐसे दंगाइयों के पीछे खड़े हो जाते हैं वो ज्यादा गंभीर कार्रवाई के पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने जो भी शामिल है, जिन्होंने जुलूस अवैध निकाला, अवैध जुलूस निकालने का दंड उनको मिलना ही चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं और मेरी पार्टी भी कानून और संविधान का पक्ष लेती है। लेकिन जो लोग वहां पर पहले से योजना बनाए बैठे थे कि यहां से जुलूस निकलेगा, हम पत्थर बरसाएंगे, जिन इमारतों पर पत्थर ले जाएंगे, जिन मस्जिदों में शराब की बोतलें ऊपर रखी गई थी, उन मस्जिदों के ट्रस्टीज, उन मस्जिदों के इमाम, उन मकानों के मालिक, उनको बंदूकें देने वाले, पत्थर फेंकने वाले, ये सब UAPA के पात्र हैं। और जब इनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो जैसे बुलडोजर शिवराज सिंह चौहान ने चलाया, कैसे चीख पुकार मिल गए, मच गई, ध्यान है ना, जैसे योगी जी ने बुलडोजर चलाया, विक्रम जी और हम कई बहसों के गवाह हैं, कैसे लोग मुख्तार अंसारी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि मुख्तार अंसारी पे क्यों, वो मुसलमान है इसलिए चलाया जा रहा है। विक्रम जी आपको ध्यान होगा उस दिन हम लोग खरगोन के मामले में बैठे थे, तब भी ये जो लोग आज जो है पॉलिसिंग पर सवाल पैदा कर रहे हैं वो तब कह रहे थे कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों कर रही है, गुजरात में ये कार्रवाई क्यों कर रही है, UAPA क्यों लगा देते हैं, मकोका क्यों लगाया, दंगों पर रोक क्यों नहीं हो सकती, ये भी सवाल है ना। पुलिस की खुफिया एजेंसियों के पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप वहाँ पर ड्रोन कैमरे से रखते नजर, जब संवेदनशील मामला हो, तमाम मस्जिदें हो, मंदिर हो, हर जगह हो, वहाँ पर रख लेते आप नजर। अच्छा प्रश्न है, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। देखिए प्रिवेंटिव अरेस्ट में जैसे ही प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू होता है, MIM, कांग्रेस, आप सारे खड़े हो जाते हैं पुलिस थाने के बाहर, अखबारों में शुरू कि मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही है, सांप्रदायिक आधार पर कार्रवाइयां हो रही है, ये भी शुरू होता है। और तब जो है हमारे चैनलों के मित्र ही कि जेलों में इतने मुसलमान है, इतने हिंदू है, अरे साहब अपराधी है, जिहादी है, दंगाई है, अपराधी की जात धर्म गोत्र देखकर राजनीति बंद कीजिए, अपराधी के अपराध के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, वो होगी, अपराधी को तो अपराधी चरित्र के हिसाब से कार्रवाई तय की जाएगी ना, उसमें किसी भी धर्म का हो तो धर्म का रोना क्यों आ जाता है बार बार? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। देखिए मैंने सबसे पहले शुरू में ये बात बोली कि हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि अगर देश में दंगा हो रहा है तो उसे रोका जाए। मैंने सबसे पहले चैनल में बोला था। अब मैं आपसे, मैं DGP साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये ईमानदार DGP हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनको तब से जानता हूं जब से लखनऊ में भी तैनात थे। अच्छा, वो आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, बेहतरीन आदमी हैं, ठीक है। और इन्हीं जिस तरह से खुले अल्फाजों में इन्होंने दिल्ली कमिश्नर को सीख दी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इनके अधीन आकर सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, बात वही की वही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जिन्होंने फायर किया कट्टे से या बंदूक से, पिस्तौल से, उनको गिरफ्तारी ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। सोनू शेख की ओर से कट्टे लहराए गए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनू चिकना जो प्रेम शुक्ला जी नाम बता रहे हैं, अंसार को लेकर आप लोग पहले ही बचाव में आ गए, तो अंसार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? सुनिए मैडम, देखिए बात समझिए, सोनू शेख के पीछे आप अपने उन बच्चों का भविष्य काला कर रही हैं मैडम, जो नाबालिग बच्चे कट्टे लेकर टहल रहे थे, हिंदू बच्चे जिनको इंजीनियर डॉक्टर बनना था, उनको चित्रा त्रिपाठी जी TV बैठ के आप लोग क्रिमिनल बना रहे हैं। क्रिमिनल सोचिए, भविष्य में आप लोग बना रहे हैं, दो चार पांच साल के बाद वो क्या करेंगे? आप लोग बना रहे हैं,
कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए ना, कार्रवाई तो सब पर होनी चाहिए ना असीम वकार साहब। दूसरी बात, यहाँ पर सारा ठीकरा चैनल पर और एंकर पर मत फोड़िए, ठीक है? अब आप मत जहर लगाने वाला बयान आप लोग दें और उसके बाद आप लोग आ जाए एंकर पर ठीकरा फोड़ने के लिए। आप खुद ही अपने सर पे ठीकरा फोड़वा रहे हैं। कोई ठीकरा नहीं फोड़वा रहा है असीम वकार साहब, गलत बयानी मत कीजिए। पूरा का पूरा एक सेकंड असीम वकार साहब, ये जो वो है ना बेचैनी आप लोगों की, असीम वकार साहब इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। मैं पूछ रही हूँ ना, अंसार का बचाव करने की क्या जरूरत थी? अंसार का बचाव करने की क्या जरूरत थी? मैं ये पूछ रही हूँ, क्यों आपने कहा कि वो बेगुनाह है? अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, अंसार का बचाव आपके सहयोगी चैनल के कैमरे पर। अरे अभी जिस चैनल पर बैठे हुए उसकी बात कीजिए ना, अभी जहां बैठे हुए वहां पर बात कीजिए। अभी तो जो सवाल पूछा जा रहा है आप बताइए ना, अंसार को लेकर आप अलग बयानी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अलग बयानी है, किस पर देश भरोसा करे? देखिए कुछ भी कर लीजिए, सुनिए सुनिए, कुछ भी कर लीजिए लेकिन देश को अंधा नहीं कर पाएंगी आप। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, आप लोग कर रहे हैं, आप देर के लिए पर्दा डाल सकती हैं देश को, आप लोग कर रहे हैं देश को अंधा नहीं कर सकती आप। यहाँ पर भिवानी का किस्सा सामने आया, ठीक है, थोड़ा आगे भिवानी हरियाणा किस्सा सामने आया, अंसार का बचाव क्यों कर रहे हैं आप लोग? अंसार को तोड़कर बजरंग दल की मुक्ति के गलत है, गलत है, वो गलत है। कौन समर्थन करेगा इस बात का? अगर मजार पर तोड़कर उसको बजरंगबली की मूर्ति लगाई जाती है वो गलत है। आप बात नहीं कर रही उसको, मैं क्यों नहीं बात कर रही? मैं बोल रही हूँ कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं लगनी चाहिए बजरंगबली की मूर्ति वहाँ पर। नहीं, कितनी आवाज उठाई आपने? बहुत बड़े हैं, कहीं भी लग जाएगी उनकी मूर्ति। कितनों की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी कब्र पे लगा देंगे आप? हरियाणा की कब्र पे लगवा देंगे? जवाब दीजिए, आप कब्र पे लगवा देंगे? ठीक है, मजार पे लगवा देंगे आप? असीम वकार साहब बात को कहां पर लगाने का चाह रहे हैं? असीम वकार साहब गलत है, ये जो कुछ ज्यादा ही पीड़ित बनने की आप लोग कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलिए। और जो जहर आप लोग बोलते हैं उससे भी देश को बचाने की जरूरत है, उससे भी देश को बचाने की जरूरत है। मैंने पूछा तो, मैंने पूछा असीम वकार साहब, ठीक है, और खुद को पीड़ित बताना छोड़ दीजिए। अब जरूरत से ज्यादा पीड़ित बताते हैं आप लोग और अपराधियों का समर्थन करते हैं। अंसार एक अपराधी है, उसको जेल हुई है और आप लोग कह रहे हैं वो बेगुनाह है, उसकी क्यों गिरफ्तारी हुई है? ये सवाल है। प्रेम चोपड़ा जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं मुकेश शर्मा जी आपके पास। देखिए कहीं पर भी किसी ने गलत कार्रवाई की, किसी धर्म का, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो फुटपाथ कब्जा करके, सड़कें कब्जा करके, सरकारी चीजों खड़ा करके जो अवैध कब्जे मजार के नाम पे कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होगी। और जैसे ही कार्रवाई होगी असीम वकार छाती पीटते हुए ओवैसी छाती पीटते हुए पूरे देश में टहलेंगे। तो ये टहलना बंद कर दीजिए, कहीं भी अगर कोई मंदिर में मूर्ति तोड़ रहा है वो भी गलत है, कोई मस्जिद पर किसी प्रकार का हमला कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, कहीं और जगह नहीं गलत है, गलत है, कार्रवाई होगी, गलत है, कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई करके नजीर बनाइए। अभी तो अभी तो मुजफ्फरनगर में जो है एक जो है मूर्ति हमारी दुर्गा जी की मूर्ति, दावा किया जाता है वो भरोसा तो आप करते हैं, हम करते हैं और हम ही करते हैं, हम ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी ही करती है, हमारी सरकारें करती है। हम कांग्रेस की तरह कुकर भी थोड़े हैं कि हम जो है कांग्रेसी जो है मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। आप पार्टी जो है अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाएगी तो कुछ नहीं देगी, मुसलमान की हत्या हो जाएगी आशा ठीक करा देगी। ठीक है, पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक है, कांग्रेसी 10,000 लोगों की हत्या। ठीक है सर, भाषाई मर्यादा का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा प्लीज। अब जवाब ले लेते हैं प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। मुकेश शर्मा जी अपनी बात बात प्लीज, ये ठीक नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा प्रेम शुक्ला जी, ये ठीक नहीं है, जल्दी से कराइए इनको। चुप हो गए हैं मुकेश शर्मा जी, जल्दी से बोलिए। अरे मैं हत्यारों को क्या कहूँ? देखिए 10,000 सिखों के नरसंहार करने वालों को क्या कहूँ? ठीक है, सत्कर्मी कहूँ, वो तो कुकर्मी ही है। मुकेश शर्मा जी, मुकेश जी वक्त चला जाएगा फिर आप कहेंगे आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप जल्दी से प्लीज अपनी बात आगे। हाँ, खत्म कर। सबसे बड़े कुकर्मी गुजरात मॉडल लागू करने वाले हैं और हम देश में गुजरात मॉडल लागू नहीं होने देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कुकर्मी राजीव ने कहा था राजधर्मी भाव, मैंने नहीं कहा कुकर्मी राजीव गांधी इंदिरा गांधी सोनिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ चित्रा जी, ये सब कुकर्मी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकाल में, चुप रहिए, मैं कहना चाहता हूँ दंगे हुए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों के कुकृत है। अरे अरे ये हिंसक वालों के कुकृत है, आप जहर फैलाने वाला कोबरा है बीजेपी, बीजेपी कोबरा है। अरे हम जानते हैं बीजेपी जहर फैलाने वाला कोबरा है, आपके फल को कुचल देना चाहिए।
देश के लोग आपके फंदों को चल देंगे। देखिए आपको एक मिनट सुन लिए, अरे आप सियारों को लोग जानते हैं, सियारों को लोग पहचानते हैं, रिवाल्वर चलाने वाले बड़ियों ग्राम सिंहों को लोग पहचानते हैं। वक्त हमें आने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब शब्दों के जरिए इस तरह से दंगों की बात की जाएगी तो दंगे इस देश से खत्म कैसे होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की जानी चाहिए कल गृहमंत्री की ओर से जो सीधे निर्देशित किया गया है कि दंगाई किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि वो देश में नजीर बन पाए और दोबारा दंगे जैसी स्थिति नहीं बन पाए।